इसमें आज हम लोग देखेंगे मल्टीपल सीट पे कैसे कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीपल सीट से डेटा को कैसे डेटा हम इवेल्युएट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 2019 का क्वार्टर फर्स्ट है। क्वार्टर फर्स्ट का मतलब यहाँ पे है कि ईयर के जो फर्स्ट 3 मंथ्स होंगे वो हो जाएगा, फिर आपका थ्री मंथ्स की हमारे डाटा दिए गए हैं। ऐसे हमारे पूरे साल का क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 दिए गए हैं। अब मुझे अगर इसका हमें टोटल, अगर हमें क्वार्टर वन का मतलब फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ का अगर हमें निकालना हुआ टोटल, तो हमारे पास एक तो है कि हम यहाँ से जा करके ऑटो सम पे क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक ये निकाल देगा, एंटर कर देंगे। या तो हमारे पास एक तरीका है कि यहाँ पे जाएं, ऑल्ट के साथ प्लस कीबोर्ड में बटन दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, एंटर कर देंगे यहाँ से निकल प्लस की, ऑल्ट प्लस, तो ये हमारा क्या करेगा, सम निकाल देगा। ऑल्ट प्रेस करते हैं और प्लस का साइन हमारे पास यहाँ पे कीबोर्ड से प्रेस करेंगे, ऑल्ट दबा गए तो ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट कर देगा। ये तो तब होता है जब हमारा कंटिन्यू डेटा होता है तब। अगर हमारे पास कंटिन्यू डेटा नहीं है, अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे हम थोड़ा सा दूर अगर हमें फर्स्ट क्वार्टर का सम निकालना है, तो हमारे पास तरीका एक ये है कि इक्वल टू लगाएं, फिर सम लिखें और इसको फिर यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग करें तो हमारा ये सम निकाल देगा। या तो फिर हमारे पास एक तरीका यह है कि इक्वल टू लिखें, इसको हमने सेलेक्ट किया फिर प्लस प्रेस किया, देन इसको सेलेक्ट किया, देन प्लस किया, देन इसको सेलेक्ट किया और हमने एंटर कर दिया। तो हमारे पास क्या दोनों तरीका है। इसमें एक चीज ये भी है कि हमने जहाँ पे जैसे B2, B3, B4 है, अगर हम इसको यहाँ से क्लिक एंड ड्रैग भी करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे C2, C3, C4 ऑटोमेटिक ले रहे हैं। तो इसको भी हम क्लिक एंड ड्रैग करके यहाँ से हम C2, C3, C4 निकाल सकते हैं। ऐसे हमने क्या किया, इधर का भी अगर हमें फर्स्ट क्वार्टर का सम निकालना है तो हमने इक्वल टू यहाँ पे लगाना है, या तो ऑल्ट के साथ प्लस का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ऑल्ट प्रेस करके प्लस प्रेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल कंटिन्यू डाटा रहेगा तभी आएगा, कंटिन्यू डाटा नहीं है तो हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ऑल्ट होल्ड करके रखना है, देन एंटर प्रेस करना है, ऑल्ट बटन को दबा करके जिसमें प्लस और इक्वल टू साइन दोनों होता है वो प्रेस करने होते हैं। इसमें देखिए अभी हमारा हॉरिजॉन्टली ले रहा था, अभी हमारा टॉप टू बॉटम ले रहा था, अभी लेफ्ट टू राइट लेने लगा ऑटोमेटिक ऑल्ट प्लस करने पे। तो आप इसको दोबारा से सेलेक्ट कर सकते हो अगर गलत डायरेक्शन में अगर हमारा डेटा लेता है तो आप इसको दोबारा सेलेक्ट करके ऐसे कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ये भी देखा था कि अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बीच में गैप है तो अभी मैं ऑल्ट प्लस करूंगा तो देखिए बीच का ये भी ब्लैंक सेल भी ले लेगा। अगर यहाँ पे कुछ डेटा हमारा पहले से लिखा गया होता रिजल्ट समथिंग, अगर मैं यहाँ पे ऑल्ट प्लस करता तो देखिए फिर से ले लेगा, तो इसमें रिजल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा तो एरर आ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे कभी इसमें तो एरर फिलहाल नहीं लिया, बट कभी कभी एरर दे देता है क्योंकि यहाँ पे न्यूमेरिक की जगह पे अल्फाबेट हो जाएगा ना। तो इस चीज को हम ध्यान में रखेंगे, अगर कुछ बीच में डेटा है तो आप उसको यहाँ से उतना ही सेल सेलेक्ट करिए जितना कि हमें जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एंटर करेंगे तो उतना ही सेल सेलेक्ट करेगा। इससे क्या होगा कि हम यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा, कंट्रोल जेड किया हमने, अगेन क्लिक एंड ड्रैग किया, ये हमारा ले लेगा, ठीक है। हमें यहाँ पे ऐसे, ये तो सेम सीट पे हमने कैलकुलेट किया, अगर हमें मल्टीपल सीट से, मीन्स हमें यहाँ पे क्वार्टर वन में इस वाले का डेटा, यहाँ का डेटा, ये जो हमने रेड किया है ये वाला डेटा, और ये हमने यहाँ पे जो रेड किया है ये वाला डेटा, फिर से हमने इस वाले का डेटा, इस वाले सीट से हमें ये वाला डेटा लेना है, इनको तीनों को एड ऑन करके हमें यहाँ पे डाटा लाना है इस वाले सेल में। तो कैसे लाएंगे इसको, अगर हम यहाँ पे हमें डेटा लेके आना है, ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करना है उसके लिए हमें इज इक्वल टू लगाएंगे, फर्स्ट वाले सीट पे जाएंगे जो रेड है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, देन हम प्लस प्रेस करेंगे और अगेन नेक्स्ट सीट पे क्लिक करेंगे और फिर से हम यहाँ पे वैल्यू सेलेक्ट करेंगे रेड वाली, देन अगेन प्लस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, नेक्स्ट वाले सीट पे जाएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहीं से हमें एंटर करना है, हमें इधर नहीं जाना है, इसी वाले सीट से ही हमें एंटर कर देना है,
तो आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके इधर ला देगा। तो आप यहाँ पे देखोगे, देखिए इसमें सीट का नाम भी बताता है, 2019 का A2 वाला सेल है, फिर प्लस किया 2020 का A2 वाला सेल है, 2021 का A2 वाला सेल है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ से, या तो हमारे पास एक तरीका है फिर से वही चीजें करें, दोबारा कैलकुलेट करना तो इक्वल टू, फिर से यहाँ पे जाएं, इस वाले सेल को सेलेक्ट किया, प्लस प्रेस किया, विदाउट प्लस प्रेस किए हमें नेक्स्ट वाले सीट पे नहीं जाना है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे सेलेक्ट किए, फिर से प्लस प्रेस किया, फिर से नेक्स्ट वाले सीट पे गए, फिर से यहाँ पे सेलेक्ट किया और इंटर प्रेस कर देंगे। लास्ट मोमेंट में हमें इंटर प्रेस करना होता है, ठीक है। तो ये जो हमने प्रोसेस किया मैन्युअली हमने किया, अगर हमें इसी को ऑटोमेटिक, अगर हम चाहते हैं कि एक ही बार में हमारा पूरा हो जाए, तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सोलिडेट। क्या बोलते हैं? कॉन्सोलिडेट। तो ये मैनुअल प्रोसेस किस तरीके से किया गया है उसको हम यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से कैसे करेंगे। ऐसे हमारे पास मान लीजिए बहुत सारा डाटा होता, तो या तो हमारे पास एक तरीका है कि हम क्लिक एंड ड्रैग करें, तो क्लिक एंड ड्रैग तब पॉसिबल होता है आपको पता है जब कॉन्टिन्यू डेटा होता है, तो कॉन्टिन्यू डेटा नहीं है तो हम क्लिक एंड ड्रैग नहीं करेंगे, फिर हमारे पास एक कॉन्सोलिडेट का होगा ऑप्शन, ये मिलेगा हमें डाटा के अंदर, डाटा में जाएंगे कॉन्सोलिडेट का ऑप्शंस मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें रेफरेंस पूछेगा किसको हमें ऐड करना है। तो हमने पहले सीट पे जाएंगे और यहाँ से हमें इकट्ठे हमें क्या करना है, सारा का सारा सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से हम ऐड पे क्लिक करते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट सीट पे जाएंगे और नेक्स्ट सीट पे फिर से हम उसको सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे भी डाटा दिया जाएगा, देन अगेन हम इस पर ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐसे सिमिलर हम नेक्स्ट वाले सीट पे जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन हम यहाँ से ऐड पे क्लिक करेंगे, तो इसमें जितना भी हमारा डाटा रहेगा इसको हम ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। फाइनली ऐड करने के बाद जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे हमारा पूरा का पूरा डाटा ऐड करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने 233 था, 72 था, यहाँ पे 233 है, 70 है। तो कॉन्सोलिडेट हमारा क्या करेगा कि मल्टीपल सीट से डेटा उठाएगा और इकट्ठे एक जगह पे कॉन्सोलिडेट करके रख देगा। तो कॉन्सोलिडेट हमारा क्या है, मल्टीपल सीट से अगर हमें डेटा को इवैल्यूएट करना है तो हम कॉन्सोलिडेट का यूज करेंगे, ओके।